पाठ का शीर्षक है मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। आजा। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थीं। वो आंखें फाड़े देखती रही। ओहो। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरी बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुटा लेते आना। वीरू ने पूछा, फुटा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। मेरी किताब। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनि पाठ। विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख होलगर पुक, कलाकार नीरज शर्मा, राजश्री त्रिवेदी और ज्योतिका, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।